नारायणपुर से दुर्ग के लिए आ रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में भिलाई निवासी दो महिलाएं बुरी तरह घायल हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर बीएसएफ के जवान पहुंचे। उन्होंने दोनों महिलाओं को सुरक्षित बस से बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए सामरिक मुख्यालय दंडक वन की 11वीं वाहिनी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक यात्रियों से भरी एक यात्री बस 23 जुलाई शनिवार शाम नारायणपुर से दुर्ग के लिए निकली थी। बस जैसे ही सामरिक मुख्यालय दंडक वन 11वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के कैंप से 1 किलोमीटर आगे निकली थी, ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया। भारी बारिश में तेज रफ्तार बस को ड्राइवर संभाल नहीं पाया। बस सड़क से नीचे उतर गई और पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस सामने से काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इससे बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। कई यात्रियों को चोटें आई। बस दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलते ही बीएसएफ के जवान रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंच गए। उन्होंने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला। जिन्हें चोटें आई उनका ही वहीं पर प्राथमिक उपचार किया। इस सड़क दुर्घटना में बस में सवार भिलाई निवासी दो महिलाओं को गंभीर चोटें आई है। बीएसएफ के जवानों ने संध्या और करेना का प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद उनकी स्थिति गंभीर होने से उन्हें एम्बुलेंस से सामरिक मुख्यालय दंडक वन की 11वीं वाहिनी के अस्पताल पहुंचाया गया। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।